हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चने की दाल की रेसिपी। घर में बना रही हूँ और बहुत स्वादिष्ट। ये देखिए दोस्तों, ये है मैंने चने की दाल एक कटोरी ली है और ये चार लोगों के लिए इनफ है, मतलब पर्याप्त है। ये देखिए दाल को मैंने धो करके ये देखिए ऐसे रखा हुआ है। इसके लिए जो मैंने तैयारी की है बहुत थोड़ी सी, ये मैंने ली है एक बड़ी इलायची, हल्का सा इसको कूट दिया है, और ये दो लौंग, ये तेज पत्ता एक, इसी से शुरुआत करेंगे हम। ये साथ में लिया मैंने प्याज और टमाटर, ये दो प्याज को मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं और इसी तरीके से मैंने टमाटर को भी काट लिया है। टमाटर आप अपनी इच्छा से दो या एक जो करना चाहें कर सकते हैं। ये लिया है मैंने एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट। साथ में ये है हमारे मसाले, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च थोड़ी सी, और ये नमक, नमक स्वाद के अनुसार आप रखेंगे। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए और इसमें मैं तेल डाल दे रही हूँ लगभग चार चम्मच। ये थोड़ा सा कुकर हमारा गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें तेल डालूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल गरम हो जाने पर सबसे पहले मैं ये जो आपको दिखाया था इलायची को थोड़ा सा कूट करके, पूरा नहीं आपको कूटना है ना ही पूरा पीसना है, इसको बस ऐसे ही डालना है तभी इसका स्वाद आपको आएगा। और ये तीनों चीजें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब देखिए इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, जब ये प्याज हल्के गुलाबी हो जाएंगे तब मैं बाकी की और चीजें आपको डाल के दिखाऊंगी। प्याज गुलाबी होने में एक मिनट लगेगा। जब तक दोस्तों हमारे प्याज हो रहे हैं तब तक हम इस मसाले को तैयार कर लेते हैं जो हमने अलग से लिया है। एक कटोरी में सारी चीज़ें डालकर, हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाला और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार, नमक और मिर्ची आप लोग अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये सारे मसाले मैंने एक में ही मिक्स कर लिए अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दिया है। ये देखिए अब इसमें एक नया आपको मैं टिप दे रही हूँ, देखिएगा कि इन्हीं मसालों में मैं जो ये लहसुन का पेस्ट है इसको अलग से नहीं पका रही हूँ, कच्चापन बिल्कुल नहीं आएगा, आप इसको इसी में मिक्स कर दिया। और जो हरी मिर्ची थी ये सारा मैंने एक ही बैटर तैयार कर दिया है, सारे मसाले, लहसुन, मिर्चा, इलायची, गर्म मसाले, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आएगी इस दाल में कि आप जो है बाकी सारी दालें खाना भूल जाएंगे और पूछेंगे कि वाह कब फिर से कब बनाऊंगी मैं ये इसको। ये देखिए और अब हमारे प्याज भी तकरीबन हो गए। ये देखिए प्याज मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए प्याज भी हमारे हल्के गुलाबी हो गए हैं। अब मैं इसमें ये जो मसाले का बैटर तैयार किया है दोस्तों इसको डाल दे रही हूँ। ये देखिए आराम से डालिए और इसको हल्का हल्का लाल हो जाए और ये प्याज मसाला तेल छोड़ दे तब मैं इसमें अपने टमाटर को डालूंगी। ये देखिए हमारा तेल, मसाला, प्याज, ये देखिए हमारे मसाले ने तेल को बिल्कुल छोड़ दिया। ये देखिए देखा आपने, अब मैं इसी में जो टमाटर काटे थे उसको डाल दूंगी। ये देखिए छोटे छोटे टमाटर के पीसेस काटे हैं, इसको भी इसी में डाल दिए हैं। टमाटर की मात्रा आप एक या दो कर सकते हैं, मेरे पास बड़ा एक टमाटर था तो मैंने बड़ा एक ही डाला है, आप चाहें तो इसे दो भी कर सकते हैं, इससे आपकी दाल में कोई भी फर्क नहीं आएगा और स्वाद वैसा ही बेहतरीन रहेगा। ये देखिए आप मसाले में सब चीज़ आपको दिख भी रही है, अब ये मसाला और टमाटर एक जैसा हो जाएगा तब मैं इसमें दाल डालूंगी। ये देखिए आप जिस समय इसको किचन में बनाएंगे पूरे किचन में आपको इसकी
खुशबू आएगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्याज टमाटर सब एक हो गया है और लगभग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें अपनी चने की दाल जो मैंने भिगो के रखी है, ज़्यादा देर नहीं भिगोया इसको, बस 10 मिनट भिगोया था, और इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए और इसको अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए आँच आप अपने हिसाब से रखिएगा, धीमी धीमी आँच पे बनाइएगा, बहुत जल्दबाजी कर नहीं करिएगा, नहीं तो आपका मसाला या तो जल जाएगा या कच्चा रह जाएगा, इसलिए धीमी धीमी आँच में खूब अच्छे से पकाइएगा। जितना अच्छा आपका सामान पकेगा उतनी अच्छी आपकी दाल बनके तैयार होगी। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, लगभग 2 गिलास, 1 गिलास पानी मैंने ये पूरा, ये मेरा छोटा है, इसमें कम से कम 200 ग्राम पानी आ रहा है। आप अपने हिसाब से भी डाल लीजिएगा आपकी दाल कितने उसमें पकेगी। ये देखिए अब मैं डाल के देखती हूँ पानी कितना है, अगर मुझे कम लगेगा तो और डालूंगी, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए मैंने दाल में पानी डाल दिया है, अब मुझे तो ठीक लग रहा है वैसे, लेकिन मैं चाह रही क्योंकि चावल के साथ खानी है इसलिए थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, पकने के बाद थोड़ी ठीक हो जाएगी आपकी दाल। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, अब इसमें मैं सीटी लगा दूँगी। ये देखिए अब मैं इसको बंद कर दे रही हूँ, कुछ करना नहीं है, देखिए कितने आसान तरीके से आपको मैंने बता दिया। अब इसमें 4-5 सीटी जब आ जाएंगी उसके बाद आप दाल खोल के देखिएगा, फिर बताती हूँ अगला स्टेप क्या करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी दाल तैयार हो गई है कि नहीं। ये देखिए अब मैं इसका प्रेशर निकल गया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी दाल बनके एकदम तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी पक गई है, बिल्कुल ढाबे होटल और सादी दालों को फेल करते हुए ये मेरी दाल। ये देखिए कितनी बढ़िया कलर खुशबू। अब मैं इसमें एक चीज़ और करूँगी, इस दाल को किनारे रख देती हूँ और आपको इसको छौंक के दिखाती हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा छौंकना बनाऊँगी। ये देखिए मैंने गैस को ऑन किया है और ये इसमें मैं छौंकना, और इसमें मैंने देखिए 2 चम्मच देसी घी यूज़ किया है, 2 बड़े चम्मच देसी घी। ये दाल का छौंकना तैयार कर रही हूँ। इसमें घी गरम हो जाए एक बार अच्छे से, तो ये मैंने जीरा लिया हुआ है, ये हींग ली हुई है, जीरा हींग, और ये 2 सूखी मिर्चें लाल वाली, लाल मैंने हरी मिर्च जो लाल हो जाती है उन्हीं को यूज़ किया है, आप चाहें तो बाजार वाली भी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका स्वाद ज़्यादा बेहतर है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। और सिर्फ इस दाल को मैं इसमें छौंक लगाऊंगी। हमारा घी गर्म हो जाने दीजिए, घी गर्म हो गया है तो अब इसमें मैं ये जीरा डालूंगी। ये देखिए जीरा डाल दिया मैंने, अब इस छौंकने में मैंने कुछ भी नहीं डाला, लहसुन वगैरह, सिर्फ जीरा हींग और ये मिर्चा। देखिए खुशबू, हमारा दाल का छौंकना इतना अच्छा खुशबू दे रहा है। ये देखिए थोड़ा दूर हो जाए क्योंकि हो सकता है मिर्चा आवाज करे। ये देखिए छौंकना अच्छे से पक जाए, हल्का सा लाल हो जाए। इसमें आप चाहें तो कलर के लिए लाल मिर्च डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। ये देखिए ये कितना अच्छा छौंकना तैयार हो गया, और इसको मैं इसमें धीरे डालूंगी। ये देखिए, देखा दोस्तों आप, ये देखिए इसको हरे धनिया से, ये देखिए इसकी गार्निशिंग मैंने कर दी। ये देखिए हमारी दाल तैयार है खाने के लिए। इसको चावल रोटी जिससे मन कहे, और चाहे तो सूखी भी खा सकते हैं, इतना स्वाद है इसमें।
आप इसको खाइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, जिससे मुझे हौसला मिले और मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, आपको अच्छी अच्छी रेसिपी दूँ। थैंक यू दोस्तों।